दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। भैया चारों तरफ जाम लगा हुआ है, पृथ्वी मार्ग है, यहाँ पे कचहरी रोड है, स्टेशन रोड है, मदार गेट है, सारी चारों साइड पे बहुत जाम लगा हुआ है, स्थिति बहुत खराब है। पर ट्रैफिक हमारे पुलिस वाले बहुत इस व्यवस्था बनाने में लगे हुए, बहुत जुटे हुए हैं, व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, काम का कुछ पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, इस तरह का काम चल रहा है, क्या कारण बढ़ रहा है भैया जाम? यहाँ पे मेन तो भैया हमारा सीवेज का काम चल रहा है हमारे, और अपना ये ब्रिज का काम चल रहा है, इस चक्कर में भी बहुत व्यवस्था बिगड़ी हुई है, काम भी रुका हुआ है, काफी लोगों की बहुत परेशानी देख रहे हैं लोग, अब देख रहे हैं ट्रैफिक पुलिस वाले भी बहुत हेल्प कर रहे हैं, काफी कुछ कर रहे हैं, व्यवस्था जुटाने में लगे, हम भी परेशान हैं, देखिए आगे चल के क्या होता है। आपका नाम? पंकज। भैया ट्रैफिक बहुत हो रखा है इधर, दोनों तरफ के रोड जाम कर रखे हैं, एक तरफ का काम चलना चाहिए तो दोनों तरफ काम चल रहा है, और दोनों तरफ पब्लिक परेशान हो रही है। दोनों तरफ से काम चल रहा है। अभी क्या है भैया, क्या हालत बने हुए, कैसा जाम लगा हुआ है, टू व्हीलर गाड़ियाँ फोर व्हीलर गाड़ियाँ जो है? पब्लिक को टू व्हीलर ही लेके चलनी चाहिए, अब सिंगल व्यक्ति भी निकलता है वो कार लेके निकलता है, और उससे ट्रैफिक जाम भी होता है, तो अब पब्लिक को सोचना चाहिए बोला कि ट्रैफिक जाम हो रहा है तो अपन कार क्यों टू व्हीलर ही लेके चले। एम्बुलेंस वगैरह भी फंस रही है इसमें? हाँ एम्बुलेंस भी, अभी एक एम्बुलेंस थी वो 15 मिनट के बाद निकली है यहाँ से। अब देखो अंदर जो मरीज होगा उसकी भी एक एम्बुलेंस फंसी हुई है। हाँ अभी एक पीछे एम्बुलेंस फंसी हुई है, देखो आप कितनी देर हो गई है अभी, लगभग कितना देर होगी जाम को? इसको आधा घंटा हो गया इसको, ऐसे लगा हुआ है। हाँ ऐसे लगा हुआ है, पुलिस प्रशासन व्यवस्था कर रही है इसकी, अब वो भी कितना कर रहे हैं, पूरा शहर खुदा हुआ है। मेरा नाम नरेश। भाई साहब जाम ऐसा लगा हुआ है, जब ये लॉकडाउन हुआ था उस समय तो उन्होंने काम कुछ नहीं किया, अभी चूड़ी बाज़ार में ऐसी स्थिति है, चूड़ी बाज़ार या गांधी बाज़ार में इतना जाम लगा दिया, तो यहाँ दुकानदारों को तो छोड़ो हमें निकलने की जगह नहीं मिल रही है, इतनी हालत ख़राब हो गई है, तो उस समय तो किया नहीं कुछ, लॉकडाउन के टाइम पे वो करवा लेते, अभी देखो यहाँ पे भी जाम हो रहा है, चूड़ी बाज़ार में जाम, कच्चे रोड पर जाम, तो चारों तरफ जाम हो गया, तो हम निकलेंगे कहाँ से? घंटे हो गए आपको खड़े ये मेरे को कम से कम अभी आधा पौन घंटा हो गया खड़ा हूँ निकलने में, अब देखो अब जाके जब थोड़ा बहुत हुआ जब निकलने की मिल रही है, देखो एक सुबह पौन घंटे तक भी खड़ा हुआ हूँ, पौन घंटे से जाम हो रहा है। लापरवाही क्या मानते हो? अब ये लापरवाही तो है, अब ये प्रशासन की है या किसकी है, देखो हम तो ये कहेंगे वो हालत ख़राब हो रही है। ट्रैफिक वाले कर रहे हैं कुछ यहाँ पे? ट्रैफिक वाले तो वो अपना काम कर रहे हैं, थोड़े हटा रहे हैं सबको, भाई जल्दी करो, लेकिन यहाँ परेशानी तो आम जनता को हो रही है, हम जनता तो बहुत परेशान, हम कहते हैं पौन घंटे से परेशान हो रहे हैं। अब ऐसा जाम लग रहा है, ऐसी बीमारी चल रही है कोरोना, भाई कोरोना की तो आप बोल रहे हैं डिस्टेंस बना के रखो, डिस्टेंस कैसे बनेगा, इतनी परेशानी हो रही है, डिस्टेंस आप देखो एक साथ सब खड़े हैं तो काय का डिस्टेंस होगा, सब गाड़ियां जाम हो रही है, मोटरसाइकिलें एक्टिवाएँ जितनी भी है सब एक साथ खड़े हैं, कैसे होगा डिस्टेंस कैसे बनाए रखें? कार्य चल रहा है इनको कैसे करना, एक जगह करना चाहिए, एक जगह भाई एक एक साइड का करना चाहिए ताकि आदमी आराम से निकल सके, अब कचहरे रोड का शुरू कर दिया, स्टेशन रोड का शुरू कर दिया और चूड़ी बाजार का शुरू कर दिया, लोग निकलेंगे कहाँ से, तो सीधी सी बात है कि लोग निकलेंगे कहाँ से? मेरा नाम लक्ष्मण टेकवानी।